हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल रवि और आप देख रहे हैं ज्ञान चूरन। आज दुनिया में जहां देखो युद्ध चल रहा है या युद्ध शुरू होने की कगार पर है, इसलिए हर एक देश अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है, अपने हथियारों के भंडार में नई नई तरह के हथियार इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि अब युद्ध सैनिकों से कम टेक्नोलॉजी से ज्यादा लड़ा जा रहा है। कुछ देश नई टेक्नोलॉजी के हथियार बनाकर उसको बेचकर मोटा पैसा कमा रहे हैं और डिफेंस सेक्टर में अपने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और इसका बेस्ट एग्जांपल है अमेरिका और रसिया। लेकिन इन देशों के बीच एक नया नाम भारत भी जुड़ गया है। भारत भी अब नए नए हथियार बनाकर बेच रहा है, और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारत ने रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। चीन ने LAC पर अपने G20 लड़ाकू विमान को तैनात किया है। इसके जवाब में भारत ने G20 को निस्तनाबूत करने वाली किलर मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दूं कि रुद्रम 2 एक सुपरसोनिक हवा से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल है। ये स्वदेशी रूप से डेवलप की गई है। इसको DRDO ने डिजाइन किया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही थी। लेकिन रुद्रम 2 के ट्रायल के बाद DRDO ने अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस को भी इसके प्रोडक्शन में शामिल कर लिया है, क्योंकि अदानी डिफेंस इस मिसाइल का प्रोडक्शन बहुत तेजी से करेगी, जिससे भारत इसको ज्यादा से ज्यादा देशों को बेच पाएगा और अपनी सेना की जरूरतों को भी समय पर पूरा कर पाएगा। DRDO ने 29 मई को उड़ीसा के तट पर SU-30 MKI लड़ाकू विमान से इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से DRDO द्वारा डेवलप रुद्रम 2 के सफल परीक्षण से भारत की ताकत कई गुना बढ़ गई है। आपको बता दूं कि रुद्रम 2 मिसाइल दुश्मन के किसी भी तरह के हथियार, मिसाइल, जहाज, विमान, ऑर्डिनेंस डिपो को पलक झपकते उड़ा सकती है। इसकी स्पीड 6792 किलोमीटर पर आवर की है। रुद्रम 2 एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसे दुश्मन का कोई रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी तंत्र या किसी भी तरह का संचार सिस्टम नहीं पकड़ सकता है। रुद्रम 2 मिसाइल की तुलना रसिया की खतरनाक KH-31PD मिसाइल से की जा रही है। आपको बता दूं कि इसकी लंबाई 18 फीट है, इसका वजन 800 केजी है और ये 200 केजी तक गोला बारूद लेकर उड़ान भर सकता है। रुद्रम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और ये अधिकतम 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है, और इसकी सटीकता 5 मीटर है, यानी अगर ये टारगेट से 5 मीटर की दूरी पर भी गिरता है तो भी उसे नष्ट कर देता है। रुद्रम 2 को सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन से पावर मिलती है, और DRDO रुद्रम 3 भी बना रही है, जिसका रेंज 550 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक होने वाला है और इसका वजन 1.5 टन होने वाला है। और आपको क्या लगता है, भारत को और भी ऐसे हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।